भूपेश बघेल जी, टी एस सिंहदेव जी, रवीन चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, शैलेश पांडे जी, रश्मि सिंह जी, करुणा शुक्ला जी, विजय केसरवानी जी, नरेंद्र बोलर जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले बघेल जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने, साहू जी ने, मैंने, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वायदे किए थे, किसानों से वायदे किए, कर्जा माफ होगा, 2500 रुपए धान के लिए मिलेंगे। अगर उद्योगपतियों ने जमीन पर 5 साल के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाई तो जमीन छत्तीसगढ़ के किसान को, आदिवासी को वापस मिलेगी। हमने वायदे किए, यही वायदे मध्य प्रदेश में किए, यही वायदे राजस्थान में किए। और छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि वायदों को पूरे करने में 5 साल भी लगे। कर्जा माफी 2 दिन में, कुछ ही महीनों में हमने जो चुनाव में मेन बातें कही तो हमने करके दिखा दी। क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ था, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय हुआ था, आपका लाखों करोड़ रुपए चोरी हुआ था। और हम आपको मैसेज देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ की जनता को मैसेज देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के किसान को मैसेज देना चाहते थे कि ये प्रदेश आपका है, इस प्रदेश का पैसा आपका है और उस पैसे का फायदा आपको होना चाहिए। और इसीलिए मैंने चीफ मिनिस्टर जी से कहा था कि 6-7 महीने में मैसेज नहीं देना है, 10 दिन के अंदर मैसेज देना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा हम करके दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, भाइयों बहनों प्रधानमंत्री मत बना, चौकीदार बना, चौकीदार बनाओ है। और फिर देखना 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार, किसानों का कर्जा माफ, सही दाम 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, पता लगा 35,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में चले गए, जनता देखती रहेगी। तो मैंने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा छीना और अनिल अंबानी की जेब में डाला, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या की जेब में डाला। मैंने सोचा जैसे डायरेक्शन पैसे का इससे ही जा रहा था आपसे उनकी जेब में, मैंने सोचा कि क्या हम डायरेक्शन को बदल सकते हैं, क्या हम उनकी जेब से पैसा निकाल के आपकी जेब में डाल सकते हैं, सवाल करने दिमाग से। तो 5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग होती है, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर इकोनॉमिस्ट थिंक टैंक वालों को बुलाया ऑफिस में, चाय पिलाई और उनसे मैंने कहा देखिए मैं एक चीज जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया, झूठ था, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के दिल में आशा उठी, सपना दिखा, उस सपने को नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। और मैं समझता हूं 15 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता, मैं जानता हूं वो झूठ है,
मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस जाएं। आपके पास 3-4 महीने हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए। दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से आप पूछना चाहते हैं, उनसे पूछिए, मनमोहन सिंह जी से जाके पूछिए, बाकी लोगों से जाके पूछिए, और मुझे बताइए अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। अभी जमाने की कोई जरूरत नहीं, आप जाइए वापस 3-4 महीने काम कीजिए, फिर वापस आके मुझे बताइए। मगर मैं आपसे लंबा भाषण नहीं चाहता, मैं मतलब 2-3 घंटे चर्चा नहीं करना चाहता आपसे, मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए। पूछते हैं कौन सा नंबर? मुझे वो नंबर चाहिए जो मैं हर साल हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। कितने लोगों को बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं? 30% हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं। थोड़ा हिल गए, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा काम तो कभी पहले हुआ नहीं है। 20% गरीब का मतलब 25 करोड़ लोग। 25 करोड़ लोग को कैसे पैसा दिया जा सकता है? मैंने कहा देखिए आप पता लगाइए, आपके पास 3-4 महीने आप जाइए काम कीजिए। अगर आप कहेंगे मुझे कि नहीं दिया जा सकता, मैं मान लूंगा, मगर पहले आप जाके इस बात को समझिए कितना पैसा दिया जा सकता है बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। गए वापस आते हैं, 4 महीने बाद आए चिदंबरम जी ने कागज पर मुझे एक नंबर लिख के दे दिया, 72,000 रुपए। मैंने पूछा क्या है 72,000? मतलब 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में कितने लोगों को कहते हैं 72,000 रुपए 1 साल में 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय, कहा था पैसा कहां से आएगा? आपको याद है वकील, जब हम कर्जा माफी की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी कहते थे पैसा कहां से आएगा हर भाषण में। कांग्रेस पार्टी गलत बोल रही है, पैसा कहां से आएगा? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमने दिखा दिया पैसा था आ गया। पैसा आने लंबानी की जेल से आएगा, मैं निकाल के दूंगा। और नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला था। मैं आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं 15 लाख कभी नहीं बोलूंगा, मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। 2019 के चुनाव जीतने के एकदम बाद जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया, हिंदुस्तान के 5 करोड़ सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में साल का 72,000, 5 साल का 3,60,000 रुपए में डाल के दूंगा। और क्यों दूंगा मैं बताता हूं, क्योंकि मैं देश के किसान को, मजदूर को, दुकानदार को मैसेज देना चाहता हूं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किसानों को मैसेज दिया, पहले बाद में करता है, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किसानों को मैसेज दिया, ये देश आपका है, छत्तीसगढ़ का पैसा आपका है, हम आपको आपका पैसा दे रहे हैं, वही मैसेज मैं देश के गरीब लोगों को देना चाहता हूं। देश आपका है, 21वीं सदी में हिंदुस्तान गरीबी को मिटाकर ही रहेगी, और 10-15 सालों में नहीं, आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालकर जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, हम गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा देंगे। एक झटका लगेगा हर महीने 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में, हर महीने 6,000 रुपए, हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000,
हजार और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेजोरिटी पुरुषों की है मगर मुझे महिलाएं भी दिख रही हैं। आप लोग मुझसे गुस्सा मत होना मगर ये 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जो पैसा जाएगा ये महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि नोटबंदी में इनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और इनकी प्लानिंग आपसे अच्छी है, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुरुषों से अच्छी होती है, तो इनको पैसा देकर हम डायरेक्टली परिवार को पैसा देंगे। योजना का नाम न्याय योजना और इसका एक और लक्ष्य, अगर आप देखें 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। इसका कारण नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और गरीब जनता की जेब से, किसानों की जेब से, मजदूरों की जेब से, छोटे दुकानदारों के जेब से पैसा निकालकर बैंक में डाला। बैंक से पैसा नीरव मोदी की जेब में गया, मेहुल चौकसी की जेब में गया, अनिल अंबानी, ललित मोदी, विजय माल्या की जेब में गया। मगर जब यह पैसा आपके जेब में से निकला तो आपने चीजें खरीदनी बंद की, शर्ट, पैंट, जूते, कैमरा, सेलफोन, जेब में पैसा नहीं था तो आपने खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने खरीदना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, जैसे ही फैक्ट्री ने बनाना बंद किया उन्होंने युवाओं को कहा भैया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा रोजगार खत्म, अब तुम बेरोजगार। फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी बढ़ी और आज हालत है कि 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। न्याय योजना डायरेक्ट आपके जेब में पैसा डालेगी, जैसे ही 5 करोड़ परिवारों के जेब में पैसा आएगा वैसे ही वो 5 करोड़ परिवार चीजें खरीदना शुरू करेंगे, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई साबुन, कोई टूथपेस्ट, मोबाइल फोन, घड़ी, जो भी खरीदेंगे। जैसे ही वो लोग खरीदना शुरू करेंगे वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, चीजें बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, जैसे ही वो चीजें बनाना शुरू करेंगे वैसे ही सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक झटके से, जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना ट्रैक्टर का, ट्रक का, एक झटके से हम इंजन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर पेट्रोल डालने का तरीका है, जैसे इंजन में पेट्रोल डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल बंद कर दिया, पेट्रोल छीन के अनिल अंबानी की जेब में डाला, हम पेट्रोल उनसे छीन कर आपके जेब में डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन को, छत्तीसगढ़ की इंजन को झटके से स्टार्ट करने वाले। छत्तीसगढ़ से जब हमने मैनिफेस्टो बनाया हमारी किसानों से बातचीत हुई और किसानों ने हमें कहा कि देखिए हमारा कर्जा माफ कीजिए और हमने डिसीजन लिया है जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जिस भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अगर किसान हमसे कर्जा माफ करने का की मांग उठाएंगे हम कर्जा माफ करेंगे, ये हमने डिसीजन ले लिया। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, इन सब प्रदेशों में हमने किसानों का कर्जा माफ किया। मगर जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे, जब सिंहदेव जी मैनिफेस्टो बना रहे थे, तो किसानों ने दो और चीजें हमसे मांगी और ऐसी चीज किसान ही सोच सकता है, इतनी गहराई की सोच किसानी की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। किसान ने दो चीजें मांगी, पहली बात उन्होंने हमें कहा देखिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और हमसे प्लानिंग नहीं होती क्योंकि सरकार हमें साल की शुरुआत में अपना प्लान नहीं देती। सरकार कभी एमएसपी को बढ़ा देती है, कभी नहीं बढ़ाती है, कभी मुआवजा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कर्जा माफ हो जाता है, कभी नहीं होता है। बीजेपी की सरकार आती है, नहीं होता है, कांग्रेस की सरकार आती है, होता है, चुनाव होता है, चुनाव के बाद आपने करा,
मगर हम प्लान बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा क्या, किस प्रकार से? कहते हैं आप एक हमारे काम कीजिए, नेशनल बजट बनता है हर साल, पूरा देश पार्लियामेंट की ओर देखता है, नेशनल बजट बनाया जाता है, आप हमारे लिए एक अलग किसान का बजट बना दीजिए। किसान की शुरुआत में ही हिंदुस्तान के हर किसान को, छत्तीसगढ़ के हर किसान को पता लग जाए कि हिंदुस्तान की सरकार इतना पैसा अपने किसानों को देने जा रही है, एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से हम किसानों की मदद करेंगे, तूफान आएगा, आंधी आएगी, इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, पूरा का पूरा आप हमें शुरुआत में ही बता दीजिए। तो हमने निर्णय ले लिया है कि 2019 में हिंदुस्तान का पहला किसान बजट पेश होगा। और दूसरी बात किसानों ने बताई, उससे भी मजेदार था, न्याय की बात, उन्होंने कहा देखिए अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, वापस नहीं दिया, वो जेल में नहीं है, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए वो बाहर है, विजय मांडिया 10,000 करोड़ वो बाहर है, मगर छत्तीसगढ़ का कोई किसान अगर 20,000 रुपए बैंक से लेता है, वापस नहीं देता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ के किसान ने, हिंदुस्तान के किसान ने हमसे पूछा, क्या ये आपको सही लगता है, क्या ये न्याय है? और वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको सही लगता है कि अरबपति बाहर बैठे और हिंदुस्तान का मेहनती किसान, ईमानदार किसान जेल के अंदर जाए, सही लगता आपको? तो इसलिए हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि 2019 के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, किसी भी प्रदेश का किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आप चाहते हो कि हम किसान को 20,000 रुपए के लिए जेल में डालें? तो फिर आप पहले नरेंद्र मोदी जी, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए के लिए अंदर करो। अगर वो अंदर नहीं जाएगा तो ना छत्तीसगढ़ का किसान जाएगा, ना किसी और प्रदेश का किसान अंदर जाएगा। और ये निर्णय कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये देश के किसान की सोच। हमारा काम, जो मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव के वक्त कहा और मैं आज यहां कह रहा हूं, हमारा काम, मेरा काम, बघेल जी का, साहू जी का, टीएलसी का काम आपकी आवाज को सुनने का है। हमारा काम आपको अपनी मन की बात बताने का नहीं है, हमारा काम आपकी मन की बात सुनने का, उस पर एक्शन लेने का। अब थोड़ी सी मैं युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, नोटबंदी ने नष्ट कर दिया देश के अर्थव्यवस्था को, गब्बर सिंह टैक्स ने छोटे दुकानदारों को मार दिया, छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के लिए क्या करेगी। पहला काम, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, हम आपको सच्ची जीएसटी 6 महीने का अंदर दे देंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, और जो यहां दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, सरल टैक्स, आपको हर 2 दिन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कम से कम फॉर्म भरेंगे, कम से कम टैक्स होगा और एक टैक्स होगा। अब मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात की, मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वायदा मैं नहीं करूंगा, मगर मैं आपको 2-3 जगह कह दूंगा, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, 1 साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी आपको भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी। अब जैसे हमने किसानों से बात की, वैसे हमने युवाओं से भी बात की, लाखों युवाओं से हमने बात की। जब हमारा नेशनल मैनिफेस्टो बना था, हमने उनसे सवाल पूछा, देखिए आप बताइए आपके लिए हमें क्या करना चाहिए,
साहब ने किसानों से पूछा, किसानों ने जवाब दिया नेशनल बजट होना चाहिए। मच्छीमारों से हमने पूछा, उन्होंने कहा हमारी मिनिस्ट्री बननी चाहिए, वो भी हमने कर दिया। तो हमने युवाओं से पूछा, भैया बताओ क्या करें आप, और उन्होंने कहा देखिए हम देश को रोजगार दिलवाना चाहते हैं, मगर जब भी हम अपना बिजनेस खोलने की कोशिश करते हैं, छोटा सा बिजनेस खोलने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने दो मुश्किलें आती हैं। सबसे पहली मुश्किल होती है कि हमें हर सरकारी डिपार्टमेंट में परमिशन लेनी पड़ती है। 15 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट बन जाते हैं, वो कहता है भैया चलो परमिशन लो हमसे, हम परमिशन लेते हैं, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तीसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, चौथे में कोई कहता है हम नहीं देंगे, और हमारे मतलब 6-7-8 महीने परमिशन लेने में चले जाते हैं, बिजनेस नहीं होता। हमने थोड़ा सा सोचा, मैंने कैसे हमने लिख दिया, छत्तीसगढ़ का कोई भी युवा कोई भी बिजनेस खोलना चाहे, छोटा बिजनेस हो, मोबाइल फोन का बिजनेस हो, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, 3 साल के लिए उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत। आप पहले अपना बिजनेस चालू करो, आप पहले अपना बिजनेस चालू करो, काम शुरू करो, एक बार आपका 3 साल के अंदर आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपके पास 20-25-30 लोग काम करेंगे, फिर आप आके छत्तीसगढ़ की सरकार के पास जाके परमिशन लेने। और अगर आपका बिजनेस 3 साल में नहीं चला, ठीक है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं, खत्म कर दे, नया बिजनेस चालू करो। ये भी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये बघेल जी के, राहुल जी, राहुल गांधी की, टीएस सिंह की सोच नहीं है, ये हिंदुस्तान की युवा की सोच है। एक बार फिर हमने बात सुनी और हमने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, जो आपने कहा हम आपके कर देंगे। और उन्हीं युवाओं को मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में चौकीदार ने पैसा दिया, चौकीदार जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स का पैसा पकड़ाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा 1600 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, अनिल अंबानी को देना, एक चेयर को देना। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने फाइल में लिखा है, नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन फ्रांस की कंपनी के साथ, फ्रांस की सरकार के साथ किए। तो आपसे नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट पैसा चोरी किया, किसानों से उनका हक छीना, युवाओं से रोजगार छीना, और जब आज सवाल उठता है, पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे देखो भैया मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, अब चौकीदार चोर है नारा चला, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया हम सब चौकीदार। अरे भाई तो फिर ये क्यों नहीं कहते हम सब प्रधानमंत्री? आप कहते हो मैं हूं प्रधानमंत्री, पहले कहते थे मैं बनूंगा चौकीदार, आपने अनिल अंबानी की चौकीदारी की, अब आप कहते हो हम सब चौकीदार। मोदी जी ये पूरा देश चौकीदार नहीं है, और आप भी देश के चौकीदार नहीं हो, आपने अनिल अंबानी की चौकीदारी की है, भागीदार है, और देश इस बात को समझ गया, और आपने देश से झूठ बोला, देश ने आप पर भरोसा किया था, युवाओं ने आप पर भरोसा किया था, और आपने युवाओं को कहा, देश के किसानों को कहा कि मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, जो आपने कहा था वो झूठ था, उसकी सच्चाई कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, और उसकी सच्चाई हम करने जा रहे हैं, 15 लाख नहीं 3,60,000। छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
राजस्थान कर्जा माफ, युवाओं को 22 लाख सरकारी नौकरियां हम करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपको एक बात समझनी है, ये देश समझदार है। इस देश ने आप पे भरोसा किया था, वो भरोसा आपने तोड़ा, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो आए हैं, और मैं बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हाई क्वालिटी के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी, मैंने आपका सबको देखा है, छत्तीसगढ़ के बब्बर शेर है, और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता ने थोड़ा सा मतलब दम लगाया, थोड़ा सा दम लगाया, थोड़ा सा धकेला, अभी 100% नहीं लगाया, मैं जानता हूं, अभी 70% लगाया था असेंबली इलेक्शन में, और आपने रिजल्ट देखा। और मैं जानता हूं कि ये जो बबर से बैठे हुए यहां पे, इस बार 80-90% धक्का लगाएंगे, 11 की 11 सीटें आने वाली। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, ये आपकी सेना है, हमारी सेना है, आर्मी है, प्यार की आर्मी है, नफरत की आर्मी नहीं है, हिंसा की आर्मी नहीं है, मगर इस आर्मी के लिए सरकार के दरवाजे खुले मिलने चाहिए। और सर, ये हमारे जो बब्बर शेर है, हमारे मंत्रियों के ऑफिस में आए, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस में आए, तो इनका 100% प्यार और आदर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता का, और जो युवा इस मीटिंग में आए हैं और जो इस मीटिंग को टेलीविजन पे देख रहे हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं और बहनों का धन्यवाद, आप दूर दूर से आए, नमस्कार, जय हिंद।